Om Namah Siddhevya. Om Namah Siddhevya. Om Namah Siddhevya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Savasahunam. Siddham Suddham Panamiya Jinindavarane Michandamakalankam. Gunarayana Bhusanudayam. Jivasaparuvanam ucham. आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने गोमरसार ग्रंथ की रचना की है, उसमें से ज्ञान मार्गना का अपना प्रकरण चल रहा है। अवधि ज्ञान में हमने तीन प्रकार देखे थे, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि के बहुत सारे भेद होते हैं, जघन्य देशावधि से लेकर उत्कृष्ट तक के। हमने देखा था कि उसमें काल की अपेक्षा भेद सबसे कम हो गए, द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा भेद उससे असंख्यात गुणे हो गए और द्रव्य की अपेक्षा भेद उससे भी असंख्यात गुणे हो गए। हमने जघन्य में जघन्य का जो विषय है द्रव्य का, उसको भी देखा, उसका क्षेत्र कितना है, काल कितना है, भाव क्या है, वो बात देखी, और देशावधि के उत्कृष्ट विषय की भी बात की। तो इसमें पूरा देशावधि कवर हुआ, परंतु उसमें ही अभी 19 ऐसे भेद बता के वो बताएंगे। ये पहला भेद है, उसको कांडक कहते हैं। तो पहला ने जो जघन्य का, जघन्य देशावधि का विषय है, वही पहले कांडक का जघन्य का विषय है। तो पहले कांडक का उत्कृष्ट विषय कितना है वो बताएंगे, हर एक का उत्कृष्ट उत्कृष्ट विषय बताएंगे अभी, क्योंकि जो एक का उत्कृष्ट विषय है उसके आगे आप हाँ उसमें दूसरा का वो जघन्य होता है। समझ में आती ना? तो पहले का हम जघन्य तो मालूम है, जो जघन्य देशावधि का विषय है वो पहले कांडक का जघन्य का विषय है। हर एक कांडक का उत्कृष्ट का विषय भी बताएंगे। यहाँ तक बात ख्याल में आई? तो ये 19 कांडकों की बात जो अभी हम यहाँ देख रहे थे, अभी पेज नंबर है 530 पर, 404 नंबर की गाथा। ये 19 कांडक अभी यहाँ बताने वाले हैं, 404 नंबर गाथा। देखो कांडक का अर्थ समझ में है, जैसे गन्ने के पर्व होते हैं कांडक होते हैं, वैसे यहाँ देशावधि ज्ञान जो है उसके बहुत सारे भेद है, उसमें पर्टिकुलर भेद का विषय क्या है उसको वहाँ तक बताएंगे। टीका पढ़ते हैं, प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र। अभी जो द्रव्य की अपेक्षा जो यथायोग्य होगा, क्योंकि हर बार हम ध्रुवार से भाग देते देते आए हैं, तो यहाँ केवल क्षेत्र और काल की बात बताएंगे। देश द्रव्य की अपेक्षा भेद हमने देखे थे, एक से दूसरा वो ध्रुवार का भाग दो तो उसको सूक्ष्म 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 होते तक चला जाता है। इसके लिए अन्य भी कुछ बातें उन्होंने बताई थी पहले, द्रव्य की अपेक्षा से जो भेद होते हैं ना, उसमें से मध्यम कुछ भेदों का वर्णन उन्होंने 526 पेज पर भी किया था, जो हमने नहीं पढ़ा था। 395 और 396 गाथा की टीका में ये बताया है। तो कहते देशावधि के मध्यम भेदों में से, यानी हमने क्या किया था पहले में, पहले उसका द्रव्य का प्रमाण लिया था, तो वो तो विश्रसोपचय सहित औदारिक शरीर का संचय लिया, उसको लोक का भाग दिया था, और हर बार क्या करेंगे, ध्रुवार से भाग देंगे, भाग देंगे, भाग देंगे हर बार। तो बीच वाले कोई ऐसे पर्टिकुलर भेद बता रहे हैं, तो यहाँ कहते कि जिस भेद में 395-96 की टीका, देशावधि ज्ञान विश्रसोपचय सहित
तेजस शरीर रूप स्कंध को जानता है, यानी वो पर्टिकुलर भेद उसका विषय क्या है द्रव्य की अपेक्षा। हमने देखा विसरसोपचय जो कार्मण शरीर के भी होता है, तेजस के भी होता है, औदरिक के भी होता है। यहाँ वो आगे वाला ऐसा भेद है, औदारिक शरीर तो बहुत स्थूल था, अब ये तेजस शरीर प्लस उसका विसरसोपचय, ये उसका विषय होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म यहाँ तक को जान रहा है। उसी क्रम से आगे फिर क्या करना, ध्रुवार से भाग देते 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 जाना, अन्य किसी भेद में विषय क्या है, विसरसोपचय सहित कार्मान शरीर स्कंध को जानता है, पूरा कार्मान शरीर आठों ही कर्मों की जो सत्ता में है, डेढ़ गुणहानि गुणी समय प्रबद्ध प्लस विसरसोपचय, उसको भी जानेगा। यहाँ से आगे जिस भेद में ने उसके नेक्स्ट भेद कौन सा होगा, ध्रुवार से भाग देने पर, और बहुत बार वो देते देते अन्य किसी स्थान पर उसका विषय क्या होगा, विसरसोपचय रहित केवल तेजस वर्गणा। पहले शरीर लिया था पूरा और यहाँ तेजस वर्गणा लिया है, शरीर में तो वर्गणा से अनंत गुणा तो समय प्रबद्ध होता है और उससे तो डेढ़ गुणानि गुणा तो शरीर का प्रमाण होता है, और उसमें विसरसोपचय वाले अनंत अनंत वो बहुत बड़ा प्रमाण था, समझ में। यहाँ तेजस वर्गणा लिया और वो विसरसोपचय रहित वाली ली। आगे जिस भेद में, यानी बीच वाले कोई पर्टिकुलर भेद बता रहे, एक एक भेद को देखना है तो ध्रुवार से भाग दो, ध्रुवार से भाग दो, ध्रुवार से भाग दो, भाग देते 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 कहाँ तक पहुँचा है उसको ये बता रहे। तो जिस भेद में विसरसोपचय रहित केवल भाषा वर्गणा को जानता है, ये तो विसरसोपचय तो शरीरों में लगते हैं, ये वर्गणाओं में, वर्गणा तो उससे रहित है इसलिए वो शब्द बता दिया विसरसोपचय रहित। कार्मण वर्गणा अलग बात है और विसरसोपचय हम शरीर के परमाणुओं के साथ लगाते हैं, कार्मण वर्गणा से शरीर बना उन्हें वो कर्म परमाणु कहलाए गए, और उस कर्म परमाणु के एक एक के साथ जीव राशि से अनंतानंत गुना तो विसरसोपचय के परमाणु होते हैं। वो विसरसोपचय परमाणु स्वयं वर्गणा रूप से हो सकते पर उसमें तो अनंतानंत पड़ी है, यहाँ एक सिंगल वर्गणा लेना है। हाँ, वो जीव के कुछ नहीं लगते, पड़े हैं ऐसे ही उन प्रदेशों में। हाँ, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखो वर्गणा हर समय जीव कितने ग्रहण करता है तो अनंत अनंत, तो एक वर्गणा छोटी होगी कि नहीं, और एक समय में अनंत अनंत वर्गणा ग्रहण करते उसका नाम है समय प्रबद्ध। और जब शरीर तेजस शरीर या कार्मान शरीर कहेंगे तो समय प्रबद्ध मल्टीप्लाइड बाय डेढ़ गुणहानि, जो कार्मान और तेजस में तो असंख्या, इन्हें पल्ले की असंख्या तो भाग प्रमाण बड़ी होती है, ख्याल में आई बात, यानी वो बहुत बड़ा स्कंद है। शरीर तो बड़ा है, वर्गणा बहुत छोटी है। ये सारा प्रकरण योग मार्गण में आ चुका है, किसकी अवगाहना कितनी, वर्गणा की अवगाहना कितनी है, शरीर की कितनी है, वो हमने छोड़ दिया, अपना वो विषय नहीं था इसलिए, ख्याल में आई बात ये। देखो अभी हमने तीन चार भेद देखे, पहला कौन सा देखा था, विसरसोपचय सहित तेजस शरीर, दूसरे में विसरसोपचय सहित कार्मान शरीर, तीसरे में, तीसरे ने क्रम से नहीं है, बीच में बहुत सारे असंख्यात भेद चले गए हैं, तीसरे में विसरसोपचय रहित तेजस वर्गणा, चौथे में विसरसोपचय रहित भाषा वर्गणा, और आगे विसरसोपचय रहित मनोवर्गणा, ये पांचों स्थानों में क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात द्वीप समुद्र जानना और काल असंख्यात वर्ष मात्र जानना, ये ऐसे कुछ द्रव्य की अपेक्षा कुछ भेद बताया। अभी जो हम कांडकों की बात कर रहे हैं वहाँ क्षेत्र और काल का प्रमाण बताएंगे, वो द्रव्य का प्रमाण बता चुके वहाँ, इसका रेफरेंस फिर हम देखेंगे वो कांडकों में कहाँ फिट करना है, ख्याल में आई बात, ये इतनी बात ख्याल में है ना। यानी उन्होंने कुछ फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भेद बताए कि उनका विषय क्या हो सकता है, और वो कैसा निकला,
पूर्व पूर्व को ध्रुवाहार से भाग देते देते पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ये उसका विषय था, आगे पर्टिकुलर पॉइंट पर ये विषय था, ये उन्होंने 5 अलग अलग बातें बताई। अब हम चलेंगे वो 19 कांडकों की बात करेंगे, वहाँ तो क्षेत्र और काल का प्रमाण बताएंगे। जघन्य पहले कांडक का जो जघन्य जो विषय है वो तो बता चुके हैं, जो जघन्य देशावधि का है, विश्रसोपचय सहित औदारिक शरीर डिवाइडेड बाय लोक, वो क्या था? जघन्य का द्रव्य था। अभी हम द्रव्य की बात गौण करते हैं, हम क्षेत्र और काल को देखेंगे। तो जघन्य जो था पहला कांडक, अभी यहाँ पर पढ़ेंगे हम, आपको पुस्तक में से पढ़ाएंगे जहाँ कांडकों की बात आती है। देखो 530 से हमने शुरू किया था, 404 नंबर की गाथा, पेज नंबर 530, गाथा नंबर 404। यहाँ क्षेत्र और काल की अपेक्षा 19 कांडक बताए, द्रव्य की अपेक्षा 19 कांडक नहीं बताए, द्रव्य की अपेक्षा तो बहुत सारे भेद हो जाते हैं। क्षेत्र और काल यहाँ उसके कुछ माप बताएंगे, कितना क्षेत्र तक कितने काल तक को जानता है, ये 19 कांडकों की बात बताएंगे। हाँ, इन दोनों के लिए देखो क्षेत्र काल अपेक्षा, उसका हेडिंग क्या है 404 गाथा का, क्षेत्र काल अपेक्षा देशावधि के 19 कांडक कहूँगा, ऐसे आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं। अभी उसकी टीका, प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, जो हमने सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना देखी थी उसका प्रमाण क्या है, घनांगुल का असंख्यात भाग, यहाँ से हमने शुरू किया था। जघन्य देशावधि का आपने लिख लिया है क्षेत्र, ये उसका उतना है, और जघन्य काल कितना लिखा था, आवली का असंख्यातवा भाग। अब ये प्रथम कांडक का उत्कृष्ट भेद बताएंगे और हर कांडक का भी उत्कृष्ट बताते चले जाएंगे, ख्याल में आती है बात। अब देखो प्रथम कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र, यानी प्रथम कांडक में अवधि ज्ञान के इतने भेद है, तो प्रथम कांडक का जो अवधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट भेद है वो कितने क्षेत्र तक और कितने काल तक को जानेगा, तो कहते हैं घनांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र को, पहला असंख्यातवा भाग था जघन्य में, अब उत्कृष्ट में संख्यातवा भाग, क्योंकि एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए सारे भेद हो गए, और काल आवली के संख्यातवे भाग प्रमाण हुआ। ये तो आसान है ना समझने के लिए, वहाँ असंख्यातवा भाग था, यहाँ संख्यातवा भाग था, असंख्यातवा भाग बढ़ा के संख्यातवा भाग बढ़ा, हाँ हजार का सौवा भाग बढ़ा के दसवा भाग बढ़ा, सौवा भाग कितना होता है, सौवा भाग 10 और दसवा भाग 100। नहीं समझे? हजार को 100 संख्या बड़ी है तो 100 से भाग देंगे तो संख्या कितनी आई, 10 आई, और छोटी संख्या से भाग देंगे 10 से भाग देंगे तो 100 आ जाएंगे। तो आवली को पहले असंख्यात से भाग दिया था, बहुत बड़ी संख्या से भाग दिया था तो कम आया था, अब संख्या तेने हाँ तो क्या होगा, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, भाग अगर छोटा हो गया तो लब्ध राशि, इतनी तो बात समझ में आई, हाँ क्योंकि हम उत्कृष्ट तरफ जा रहे हैं तो बढ़ना है ना क्षेत्र और काल, हाँ करनान योग में बस कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है, विच इज वेरी अनकॉमन इन द वर्ल्ड। दूसरे कांडक में अभी सबके उत्कृष्ट भेद, 19 कांडकों के भेद बताएंगे, ये सब यहाँ लिखे हैं। दूसरे कांडक में उत्कृष्ट भेद की अपेक्षा क्षेत्र घनांगुल प्रमाण, वो संख्यात्वा भाग था, मान लेते ना चौथा भाग था या दसवा भाग था, अब पूरा घनांगुल प्रमाण हो गया क्षेत्र, यानी एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए इतने भेद हो गए वहाँ पर दूसरे कांडक में भी, और आवली अंत यानी कुछ कम आवली प्रमाण है, जिसे हम अंतर्मुहूर्त कहते ना, वैसे आवली का
अंत आवली कहेंगे ऐसा, तो कुछ कम आवली प्रमाण हुआ। ये दूसरा कांडक हुआ। तीसरे कांडक में क्षेत्र पृथक्त्व घनांगुल यानी कुछ घनांगुल, दूसरे में एक घनांगुल हुआ था, यहाँ अनेक घनांगुल हुए। और काल पूर्ण आवली प्रमाण, पहले आवली में कुछ कम था, हाँ आवली, क्योंकि कुछ कम में तो एक एक समय बढ़ने के लिए तो क्षेत्र के कितने भेद चले जाते। छपी पुस्तक में पृथक्त्व आवली कहा है, परंतु गाथा में आवली कहा है और आगे भी आवली कहा है, अर्थ संदृष्टि में भी आवली है, इसलिए यहाँ सुधार कर लिखा है। इस पुस्तक में कहाँ कितना क्या सुधारा है वो पहले सब इंट्रोडक्शन यानी पहले मैंने लिखा है अपने मेरी बात में। बहुत जगह गाथाओं के ही आधार से करेक्शन करके लिखना पड़ा था और उसके रेफरेंस दिए कहाँ क्या सुधारा किया है और कहाँ कहीं कहीं सुधारा था मैंने अपनी लिपि में अलग से बताई है और कहीं कहीं मूल में ही सुधार करके लिखा है। और जहाँ वो चेंजेस किए वो सबका वो पहले लिख दिया है कहाँ क्या चेंज और क्यों किया है। आगम के आधार से ही चेंज किया है, मेरे बुद्धि से कुछ नहीं किया है। अब पृथक्त्व किसको कहना, तीन से अधिक और नौ से कम, या कहीं कहीं तीन से आठ तक को भी पृथक्त्व कहते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा को भी पृथक्त्व कहेंगे। हाँ अभी जहाँ जो जैसा होगा वैसा समझना। चौथा कांडक क्षेत्र एक हाथ प्रमाण और काल पृथक्त्व आवली प्रमाण यानी अनेक आवली हो गए, अभी संख्यात आवली हो गई। पांचवे कांडक में क्षेत्र एक कोष और काल अंतर्मूर्त यानी जो एक कोष तक को जान रहा है तो अंतर्मूर्त आगे पीछे तक को ही जानेगा, यथा योग्य अंतर, क्योंकि जगन्य अंतर्मूर्त आवली होता है और यहाँ पृथक्त्व आवली से आगे बढ़े हम। छठवें कांडक में क्षेत्र एक योजन में कोष कितने होते हैं, अच्छा वहाँ एक कोष था यहाँ एक योजन हो गया। और काल भिन्न मुहूर्त, ये भिन्न मुहूर्त यानी मुहूर्त में एक्चुअली उसको एक समय कम या कहीं दो समय कम भी कहते हैं तो उसको भिन्न मुहूर्त कहते हैं, अर्थात कुछ कम मुहूर्त कह दिया उसको। सातवें कांडक में काल, पहले काल बता रहे हैं, हर जगह पहले क्षेत्र बताया था, तो कुछ कम एक दिन और क्षेत्र 25 योजन, पहले क्षेत्र कहना है तो 25 योजन उसका क्षेत्र हो गया, एक योजन से 25 योजन तक बढ़ गया। और क्षेत्र एक एक प्रदेश से बढ़ा है तो कितने भेद हुए होंगे बीच में, इमेजिन कर सकते हैं ना। और फिर काल कितना, कुछ कम एक दिन आगे पीछे तक को जानेंगे। आगे की गाथा देखते हैं 406 वाली। आठवें कांडक में क्षेत्र भरत क्षेत्र प्रमाण, ये भारत नहीं कहा, इंडिया नहीं कहा, भरत क्षेत्र कहा, जो जम्बूद्वीप में जो भरत क्षेत्र का जो विस्तार है तो उस प्रमाण उसका ये अवधि का क्षेत्र है। और काल आधा महीना है, 15 दिन। नौवें कांडक में यानी वो आगे आगे वाले जो अवधि ज्ञान के भेद है उसकी अपेक्षा बात करते हैं, इतने सारे भेद होने पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये उसका मर्यादा, उसकी ये जानने की शक्ति इतनी है। नौवें कांडक में क्षेत्र जम्बूद्वीप प्रमाण कितना बड़ा है, 1,00,000 योजन विस्तार बड़ा। हाँ और काल कुछ अधिक एक महीना है, यानी जो एक महीने तक का जानता है तो उसका तो क्षेत्र कितना बड़ा हो गया है ना। ये दसवें कांडक में क्षेत्र मनुष्य लोक यानी 2.5 द्वीप प्रमाण और काल 1 वर्ष है। ग्यारहवें कांडक में क्षेत्र रुचक द्वीप कितने नंबर का है, 13वां नंबर का। और काल पृथक्त्व वर्ष प्रमाण यानी कुछ वर्ष प्रमाण। जब जम्बूद्वीप कह दिया तो पूरा जम्बूद्वीप, क्यों भले हम भरत में हैं परंतु ये जम्बूद्वीप प्रमाण बताया करके वैसे ही समझना चाहिए। परंतु भरत क्षेत्र को कैसे करेंगे, वो तो ऐसा धनुषाकार है। ऐसा समझो, भरत क्षेत्र को वो समझता है, वो तो अवधि ज्ञान से वहां तक को जान रहा है, ऐसे समझ लेना उसमें।
वही उनका कहना है। स्वर्गों में उसकी एरिया अलग अलग है, कौन से स्वर्ग के जीव कितने योजन तक जानता है, ऊपर कितना जानता है, नीचे कुटलन जी कितना जानता है, उसका सब आएगा। वो हर मार्गणा में उसका कथन अलग अलग आता है। नारकियों का भी अवधि कहाँ तक जाता है उसकी सब लिमिट है, और कितने काल आगे पीछे वो सब लिखा है। नहीं, उतना क्षेत्र अपने आसपास का जानेगा, उतनी एरिया को जानेगा, यानी वहाँ समझना ना, वो विधेय क्षेत्र को जानेगा ऐसा कहेंगे, यानी उसकी कुछ लिमिट, उतनी एरिया हम ले सकते उसकी। हाँ, तो ये तो 11वें कांडक हो गए, कांडक 11वां है, द्वीप 11वां नहीं कहा। 11वां द्वीप कौन सा है? कुंडलवर। हाँ, और काल पृथक्त्व वर्ष प्रमाण है। आगे पढ़ते हैं 532 पेज, 12वें कांडक में क्षेत्र संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण। वहाँ तो 13वें तक गए थे हम, 13वां द्वीप यानी उसके पहले 12 द्वीप समुद्र हो चुके थे, 13वां द्वीप लिया था। यहाँ तो कहते और आगे बढ़ना, उससे संख्यात गुणा चले गए। और काल संख्यात वर्ष प्रमाण अभी 13वें कांडक में। अभी यहाँ द्रव्य की भी बात बताई कि तेजस शरीरादिक द्रव्य की अपेक्षा पहले स्थान कहे थे, इसलिए आते ही पहले वो स्थान बताए थे आपको 526 पेज पर। निकाल के देखो, अभी अभी देखा था, 395-96 गाथा की टीका में अभी अभी देख चुके हम। द्रव्य की अपेक्षा हमने देशावधि के कुछ स्थान देखे थे, विश्वसोपचय सहित तेजस शरीर रूप स्कंद देखा था। अब 13वें कांडक में ये क्षेत्र का प्रमाण यहाँ है, द्रव्य का प्रमाण बताया। और उसमें देखो, उनमें क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण, पहले संख्यात से अभी असंख्यात हो गए, और काल असंख्यात वर्ष प्रमाण। देखो इसमें क्या जानना है, अभी हम देखते हैं, बोर्ड पर देखो जरा, ये समझने के लिए यहाँ आपको बोर्ड पर लिख के बताया है हमने। तो देखो ऊपर हमने पहले 12 कांडकों की बात नहीं लिखी, वो तो सरल ना, अभी हमने पुस्तक में से पढ़ी थी। तो यहाँ कांडक नंबर 13 से 19 तक लिखे हैं, और हमें तो अभी तक तो हम 12 कांडक तक तो उसका क्षेत्र और काल ही देखते आए हैं, परंतु यहाँ द्रव्य की अपेक्षा भी वो जो पहले कुछ बता चुके थे वो यहाँ पर वो फिट करके बता रहे, यानी वो वाला जो द्रव्य के भेद वहाँ 5 बताए थे कुछ, वो यहाँ कहाँ फिट होते कांडकों में, तो कहते 13वें कांडक में ये वाला भेद फिट हो जाता है। 13वें कांडक का जो उत्कृष्ट विषय है उसमें क्षेत्र कितना है, असंख्यात द्वीप समुद्र, और काल कितना है, असंख्यात वर्ष। इसके आगे आगे उससे असंख्यात गुणा कहेंगे हम, परंतु वहाँ द्रव्य का कौन सा भेद है, तो कहते विश्रसोपचय सहित तेजस शरीर, जो अभी हमने 526 पेज पर देखा था वो वाला, यहाँ का द्रव्य की अपेक्षा ये उत्कृष्ट जो है वो यहाँ तक इतने सूक्ष्म को जानेगा, उससे बड़े को तो जानेगा ही जानेगा, समझ में ना। अभी तक तो हम केवल क्षेत्र और काल के भेद देख रहे थे सभी 12 कांडकों में, 13वें कांडक में पहले उन्होंने जो कुछ फॉर एग्जाम्पल बताए थे द्रव्य के भेद, वो यहाँ फिट करके बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे हम पढ़ते जाते तो उसका अर्थ नहीं भाषित हो रहा है। तो ये 13वें कांडक का ये उत्कृष्ट विषय बताया, इतना क्षेत्र है और इतना काल है, वहाँ पर ये द्रव्य वाला भेद बताया, यानी ये उनका इतने स्कंद तक को जानते हैं, इससे सूक्ष्म को नहीं जानेंगे, ये बात समझ में। अभी आगे देख तो यहाँ क्या लिखा है, आगे हमको फिर बोर्ड पढ़ेंगे, पहले पढ़कर फिर जाएंगे। इनमें इतना विशेष है कि 13वें से 14वें में असंख्यात गुणा क्षेत्र और काल है, ऐसे ही उत्तरोत्तर यानी 14वें से 15वें, उससे 16वें में 17वें में असंख्यात गुणा क्षेत्र काल जानना, और फिर डायरेक्ट 19वें कांडक की बात की, यानी यहाँ हर एक में क्या कहेंगे हम, जो असंख्यात द्वीप समुद्र बताया है तो उससे असंख्यात गुणा क्षेत्र बढ़ता है, काल भी असंख्यात गुणा बढ़ते चला जाता है, उससे असंख्यात गुणा हुआ उससे भी असंख्यात गुणा,
और उससे असंख्यात गुणा, पूर्व को असंख्यात गुणा कर देना। मान लेते हैं ना, यहाँ चार है तो चार गुणा करो तो 16 होगा, 16 को चार गुणा 64 होगा, 64 को चार, इस तरह से वो बढ़ते चले जाएगा। ऐसे असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा, इस तरह से लेना। नहीं, तिर्यक मुख्य तो लेना, तिर्यक लेना मुख्य। अभी ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र पर लोक तक फैलेंगे तो ऊपर नीचे तक भी फैलता चला जाएगा उसका क्षेत्र, ऊपर नीचे भी उसकी मर्यादा बढ़ेगी, बढ़ेगी ऊपर नीचे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्र तो राजू तक चले जाएंगे, और अभी बाद में तो 19 में तो पूरा लोक कवर करना है ना। तो ये 13वें में उसका द्रव्य का भी विषय यहाँ बताया। क्षेत्र तो अभी इसके आगे असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा कहते चले जाएंगे। तो ये 13वें में विश्रसोपचय सहित तेजस शरीर लिया, 14वें में ये असंख्यात गुणा कहेंगे, और ये विश्रसोपचय सहित कारमान शरीर लेना, जो अभी हमने 526 पेज पर 5 देखे थे भेद, वो यहाँ 13वें से आगे फिट करना। समझ में आई बात? वहाँ जो पहला लिया था 526 पर, वो 13वें में फिट किया। 526 पर जो दूसरा भेद किया था विश्रसोपचय सहित कारमान शरीर, वो 14वें में लिया। क्षेत्र और काल असंख्यात गुणा हो गया, पूर्व से असंख्यात गुणा। 15वें में वो देख के बताओ क्या लिखा है वहाँ पर, अभी आगे वाला तीसरा, वहाँ विश्रसोपचय रहित तेजस वर्गणा लिया है। यहाँ शरीर लिया था, यहाँ वर्गणा ली, ये बहुत सूक्ष्म हुआ है, क्योंकि वो एक दो बार ध्रुवहार नहीं भाग दे, बहुत असंख्या तो बार ध्रुवहार से भाग देते देते ये इतना छोटा स्कंद हुआ है। यहाँ ये इससे भी असंख्यात गुणा, इससे भी असंख्यात गुणा हुआ। 16वें नंबर पर विश्रसोपचय रहित भाषा वर्गणा। देखो, आपको केवल वहाँ से पढ़ाते तो ख्याल में आने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए लिख के रखा, इसके कोई चार्ट नहीं बनाए थे पहले, ये अभी ख्याल आया कि हाँ इस तरह से हम देखेंगे तो ख्याल आएगा जल्दी। तो विश्रसोपचय रहित, यानी जिसको हम केवल भाषा वर्गणा कहते हैं, वो यहाँ हमने लिखी, और इसका क्षेत्र और काल पूर्व से असंख्यात गुणा हो चुका। 17वें में क्या लिखेंगे? विश्रसोपचय रहित मनोवर्गणा। हमने जब वर्गणा का अभ्यास किया था, यह तत्वार सूत्र में भी बात है ना, आगे आगे वाले सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, तो ऐसे यहाँ मनोवर्गणा को लिया। मनोवर्गणा का स्कंद उससे भी सूक्ष्म है, और इसका क्षेत्र और काल असंख्यात गुणा और बढ़ जाता है। यहाँ का जो उत्कृष्ट है, उससे यहाँ का जघन्य वाला कौन सा होगा? ये मनोवर्गणा को ध्रुवहार से भाग दिया तो पहला भेद होगा, उसको ध्रुवहार से भाग देते जाए तो आगे 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 के भेद हो जाएंगे। और यहाँ क्या लेना है? 19 का उत्कृष्ट भेद कौन सा है? कारमान वर्गणा को ध्रुवहार से भाग दो। देखो, जो देशावधि का द्विचरम भेद है उसका द्रव्य है कारमान वर्गणा, द्विचरम, हाँ सेकंड लास्ट, और अंतिम क्या है? कारमान वर्गणा डिवाइडेड बाय ध्रुवहार, और यहाँ ध्रुवहार है, ये हो गया। इसका क्षेत्र उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र लोक तक को जानता है, एक लोक हुआ पूरा लोक, और काल हमने देखा था पल्य माइनस एक समय, ये उत्कृष्ट भेद हमने पहले ही गिना था, ख्याल में आती ना। ये मनोवर्गणा है ना, यहाँ विश्व सबसे यहाँ तो ये इसका जो जघन्य लेना, 18वें के जघन्य में ये बात आएगी, उत्कृष्ट में नहीं आएगी। हाँ, तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, हर बार उसको ध्रुवहार से भाग देते चले जाओ। उसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी बातें नहीं बताई, क्योंकि पहले हमने शुरुआत किया औदारिक के, उत्कृष्ट के, संचय के, विश्रसोपचय से ही से, उसको इतनी बार ध्रुवहार से भाग देते चले जाओ। ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए, वो यहाँ पर फिट करके उन्होंने बताए। वहाँ तो 19 कांडकों में क्षेत्र और काल ही बताना था, उसी में उनके द्रव्य के भेद भी कहाँ कौन से आ सकते उसकी चर्चा की। केवल वो 19वें कांडक का चरम लास्ट वाला भेद है, वो है कारमान वर्गणा डिवाइडेड बाय ध्रुवहार। द्विचरम कौन सा होगा? तो कारमान वर्गणा होगा, ख्याल में आई बात? हाँ, आगे
पहला भेद छोड़कर बाकी का सबका ध्रुवार से ही वो करना। पहले भेद में भी ध्रुव पहला सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कौन सा है, वो अवतारिक शरीर का विश्रस उपचय वाला। उसके बाद हर बार वो भले देशावधि के भेद हो गया परमावधि के भेद हो, हर बार ध्रुवार से भाग देते 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 आगे का भेद होगा। ये तो बात अभी हमने देखे थे, पेज नंबर 536 लेना, 535 गाथा नंबर 412 की टीका। इस अवधि ज्ञान की विशेषता में देखो समझना, हमने पहले ये बात देखी थी, द्रव्य का एक भेद है, फिर दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, असंख्यात भेद होते तब जाके क्षेत्र का दूसरा भेद होता है। परंतु क्षेत्र बढ़े तो काल तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ा, दो प्रदेश बढ़ा, तीन प्रदेश बढ़ा, तो कब जाके काल का बढ़ोतरी होगी। यानी द्रव्य का दूसरा भेद होता है तो क्षेत्र का काल का भेद होगा, ये कोई बात नहीं है। उल्टा देखेंगे, जब काल में दूसरा भेद होता है तो क्षेत्र की अपेक्षा भेद दूसरा होगा कि नहीं होगा, और द्रव्य की अपेक्षा होगा ही होगा। यानी जब काल में वृद्धि हो रही है तब क्षेत्र और द्रव्य में हो ही रही, उसका दूसरा भेद हो ही रहा है, ये बात अभी यहाँ बता रहे हैं। देखो जब काल की वृद्धि होती है तब तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की ही वृद्धि होती है, इसका अर्थ समझ में आया ना? क्योंकि द्रव्य से सूक्ष्मता की ओर जाता है तो क्षेत्र और काल बढ़ने का नियम नहीं है, पर जब काल में एक समय बढ़ा है उसका अर्थ क्या है, वो आगे वाला द्रव्य का या क्षेत्र का भेद तो हो ही रहा है। पुनश्च जब क्षेत्र की वृद्धि होती है तो क्षेत्र की वृद्धि हुई ने द्रव्य की वृद्धि तो हुई हुई, वृद्धि ने सूक्ष्मता की ओर, परंतु काल उस समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कोई बात नहीं, क्योंकि द्रव्य की क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात भेद जाने पर काल की वृद्धि होती है। इसलिए वहाँ क्या कहते हैं, जब क्षेत्र की वृद्धि होती है तब काल की वृद्धि भजनीय, भजनीय ने ऑप्शनल है, बढ़ भी सकती है नहीं भी बढ़ सकती है, कभी कभी बढ़ती है बीच बीच में, अर्थात वृद्धि होगी या नहीं भी होगी। पुनश्च जब द्रव्य की और भाव की वृद्धि होती है, द्रव्य की और भाव की वृद्धि तो एक साथ हर हर उसमें चलती है भेद में, तब क्षेत्र की और काल की वृद्धि भजनीय है, होगी भी या न भी होगी। और द्रव्य की और भाव की वृद्धि युगपत होती है, द्रव्य की वृद्धि होती है का अर्थ है वो सूक्ष्मता की ओर चला जाता है, और भाव की वृद्धि होते ने वो असंख्यात गुणा भावों को जानता है, हाँ पर्यायों को। इस प्रकार देशावधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रमाण कहा, ये समझ में है ना? ये देशावधि में तो बहुत चक्कर लगे हमें, क्योंकि हमको देशावधि प्रकट करना है। कैसे करेंगे, क्योंकि किसी ने साल भर पहले का जाना अवधि ज्ञान से, तो हजार वर्ष पहले का नहीं जान रहा, ये कहाँ से आया? काल कोरिलेटेड है, परंतु वो उसके पूर्व या बाद में का जानता है कि नहीं जानता है, कैसे नक्की करेंगे किस कांडक में, कि ये जरूरी नहीं था, क्योंकि वो तो अवधि ज्ञान से उसने कोई बात को जाना, किसी बात को जाना, तो ये तो हो सकता है कि कितने क्षेत्र तक को जान रहा है, पर ये भी नहीं है कि उसने मान लेते देवलाली की किसी बात को जाना, परंतु वो दिल्ली की बात को अवधि ज्ञान से नहीं जानता, ये कहाँ से आई बात, ये किसको जाना उस पर ये उसकी मैक्सिमम लिमिट कैसे नक्की होगी, ख्याल में आती है ना? और अवधि ज्ञान नहीं भी लगाएगा, ये जरूरी नहीं कि अवधि ज्ञान उसके है तो उसको अवधि ज्ञान से सब कुछ जानते रहना चाहिए, ऐसी थोड़ी बातें होती है, ख्याल में आती है ना बात? उस पर से हम नक्की नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लिमिट कितनी है वो कौन जानेगा, कैपेबिलिटी कैसे समझेंगे? जैसे आपने सब्जी लेने गए और 2 किलो सब्जी लेके आए, तो आपकी कैपेबिलिटी कितनी किलो उठाने की, हम कैसे, ये जो कोई हमारे होते हैं वेट लिफ्टर्स, हाँ
उनके तो 200 किलो मान लेते हैं उठाने की ताकत है, और वो सब्जी लेके आ रहे हैं, तो उनकी हम कैपेसिटी कैसे जानेंगे? ख्याल में आती है ना? ये नहीं, इस तरह से हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये मैं कहना चाहती हूँ। आगे चलते हैं। ये तो हमें तो आगम से एक उसके कांडकों का प्रमाण कहाँ से कहाँ तक है, बस ये बात देखनी है यहाँ पर। तो ये हमने अवधि ज्ञान के, देशावधि ज्ञान के भी सब कांडकों की आदि की बात देख ली है। तो अभी हम थोड़ा परमावधि की ओर बढ़ लेते हैं। हाँ, किसका प्रश्न? यहाँ लिखा है क्या? ओह हाँ, आपके पेपर में रह गया। मेरे पेपर में रह गया। अच्छा हाँ, मैम ये कि जैसे भगवान महावीर के अगले 10 भावों का वर्णन जो चारण कृष्णधारी मुनि ने किया, अगले नहीं पिछले, नहीं अगले, क्योंकि वो शेर की पर्याय में। अच्छा हाँ, जो शेर की पर, क्योंकि अगले कहने से गुजराती वाले अगले अलग कहते हैं और हिंदी वाले अगले अलग कहते हैं। ये हमारे यहाँ हमेशा ये पोजीशन होती है, हमारे घर में हिंदी भाषिक भी है गुजराती भी। गुजराती वाले अगले ने पूर्व के और हिंदी वाले अगले ने नेक्स्ट वाले। हाँ हाँ हाँ, आप शेर की पर्याय की बात करें। हाँ, तो फिर वो तो फिर उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान से भी संभव नहीं, काल की अपेक्षा। हाँ, तो परम वो हो गए चारण, ये चारण रिद्धिधारे थे, हो सकते हैं कि परमावधि वाले हो, मतलब परमावधि से कम में हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, बात सही है। हाँ, क्योंकि 10 भवों तक की बात, और भवों के रूप तो देवों के भव कहे थे, सागरों तक के किए थे, है ना? हाँ, यानी प्रथमान योग की जो बातें हैं करणान योग से कैसी फिट होती है, कहीं कहीं उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। कहीं लिखा तो है मगर ऐसे हमारे यहाँ बहुत चर्चा चलती है कि वो फिट नहीं होता है। सीता का जो रावण से मिलने को गया, कौन से नरक में गया? रावण कहाँ है, किसे नरक? सीता का जो कौन से विमान में है? शुक्ल लेशा वाले जीव मध्य लोक से नीचे जाते ही नहीं। बोलो अभी, सीता का जीव कैसे गया रावण से मिलने को? कुछ बातें नहीं मिलती। नहीं नहीं, वो जाते हैं तीसरे नरक तक जाते हैं, वो सहस्रार तक के ही जा सकते हैं, ऊपर के जो है ना मध्य लोक तक, 6 राजोगमन करके नीचे आ सकते हैं। ग्रेवेग के गमन शक्ति बहुत है, वो तो अपना विमान छोड़कर नीचे भी नहीं आएंगे। ये ऐसे सारे कर्णन योग के नियम है, तो कहीं वो फिट होते कहीं नहीं होते हैं। एक सामान्य कथन होता है स्थूल रूप से, कहीं कहीं वो बातें नहीं फिट होती है। ख्याल में आई बात? और ये नारकी भी जो पूर्व भवों का जानकर लड़ते रहते हैं, वो भी फिट नहीं होते? वो भी, क्योंकि उनके भी अवधि की मर्यादा बताई है। अभी वो जीव को सामने देखकर उनके कैसे क्या, या दूसरे जो वहाँ पर जाते हैं देव, उनकी भी वैसे अवधि की मर्यादा है, परंतु उनको वो तो भड़काते एक दूसरे के प्रति, यानी बहुत उसमें स्थूलता से वो कहीं कथन होता है कहीं सूक्ष्म कथन होता है। करणान योग तो सूक्ष्म कथन को करता है। ऐसा भी आता है ना, कृष्ण और वो बलराम, वो नारायण और ये होते हैं ना बलभद्र, प्रति नारायण है, बलभद्र और नारायण भाई भाई होते हैं। तो बलभद्र कहाँ गए, मोक्ष गए क्या? नहीं गए। कहाँ गए? स्वर्ग। और कृष्ण? तो कृष्ण तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी कर रहा है कि नहीं? क्यों नहीं? वही तो, वहां से आकर तो मुक जाएंगे ना तीर्थंकर होकर। जाने दो ना, पर उसकी मर्यादा साधिक 3 सागर से ज्यादा नहीं है, भले तीसरे नरक की आयु 7 सागर क्यों ना हो। और हमने कहीं ऐसा सुना कि जब वो दोनों ही यहाँ मनुष्य में आकर मोक्ष जाएंगे, एक ही यानी उसका जो काल समान होगा, तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे, ये समानता कैसे बताई? क्यों बलभद्र कौन से स्वर्ग में गए? आयु कितनी वहाँ की?
इनसे फिट नहीं होती वो। और तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला तीसरे नरक का जो साधिक तीन सागर से ज़्यादा नहीं होता, उसकी आयु भले वहाँ की उत्कृष्ट आयु सात सागर है हाँ, पर वो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले को इतनी नहीं होती है। ऐसी कुछ बातें वो फिट नहीं होती है, उस पर कुछ विचार आते हैं अभी जो जैसा योग्य है। यहाँ तो कोई केवली नहीं है कि हमारा समाधान हो सके, तो कुछ ऐसे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। ऐसा हम नहीं कहना चाहते कि ये झूठ है वो सच है, ऐसी कोई बात नहीं है, उन कुछ प्रश्नों का समाधान नहीं होता है, बस इतनी बातें। अभी आगे देखते हम। हाँ, प्रथमानुयोग तो स्थूल कथन होते ही है, बिल्कुल स्थूल कथन है प्रथमानुयोग में। यानी अभी हमने जो भेद देखे ना, काल की अपेक्षा से तो एक एक समय बढ़कर ही भेद हो गए, ही लगाया हमने। आवली के असंख्यातवें भाग से शुरू किया था देशावधि का भेद, एक समय बढ़ा, एक समय बढ़ा, एक समय बढ़ा, कहाँ तक पहुँचा, पल्ले में एक समय कम तक। तो आप इमेजिन कर सकते काल की अपेक्षा कितने भेद हुए होंगे। जितने काल की अपेक्षा भेद हुए उससे असंख्यात गुणे क्षेत्र की अपेक्षा भेद हुए, और उससे असंख्यात गुणे द्रव्य की अपेक्षा भेद हुए, तो देशावधि के भेद कितने होंगे ये इमेजिन करो। और हर बार ध्रुवहार का भाग दिया था, तब जाके अंतिम द्विचरम में वो कारमाणु वर्गणा तक पहुँचा। समझ में आती है बात? तो इतनी बार अगर हम ध्रुव भार हार को आपस में गुणा करेंगे तो हमें कारमाण वर्गणा का गुणकार मिलता है, ऐसा कहते। गुणकार ने कारमाण वर्गणा को जिस संख्या से गुणा करने पर समय प्रबद्ध का प्रमाण आता है वो है वो। यानी एक समय में जीव कितने कितने परमाणुओं को ग्रहण करता होगा इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। इतनी बात है बस, और कुछ नहीं। अब थोड़ा हम रिलैक्स हो गए, अभी हम परमावधि में चले जाएंगे। हाँ, अभी है ना समय है। आगे देखते परमावधि ज्ञान, ये पेज नंबर है 536, गाथा 416, उसकी 415 से बात नहीं, पीछे से शुरू हुई, 413 से शुरू हो गई, वहीं से पढ़ेंगे। देखो देखो, हमने अभी उत्कृष्ट देशावधि की बात देखी, वहाँ द्रव्य का प्रमाण कितना देखा, 19वें कांडक के लास्ट में कारमाण वर्गणा डिवाइडेड बाय ध्रुवहार। परमावधि में भी यही बात चालू रहेगी, उसको और ध्रुवहार से भाग दो, वो परमावधि का जघन्य का भेद होगा। देखो 413 की टीका, पेज नंबर 535। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान के विषयभूत जो द्रव्य कहाँ, उसको एक बार ध्रुवहार का भाग देने पर जो प्रमाण हो, उतने परमाणुओं के स्कंद रूप जघन्य परमावधि ज्ञान का विषयभूत द्रव्य नियम से जिन देव ने कहा है। ये सब बातें जिनेंद्र भगवान ने कही है, केवल ज्ञान के द्वारा जानकर कही है, किसी ने अपने मन से कुछ इसकी रचना नहीं की है, ये कहना चाहते हैं। ये उसका जघन्य हो गया। अब उत्कृष्ट बता रहे हैं, उत्कृष्ट क्या होना चाहिए पढ़ने के पहले हम इमेजिन करेंगे। परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण कितना होगा, कौन से स्कंद को जानेंगे? हाँ, ध्रुवहार, क्योंकि उसको ध्रुवहार को ध्रुवहार से भाग देंगे तो परमाणु का प्रमाण एक आया, जो सर्वावधि का विषय है। समझ में आई ना? हाँ, देख यही बात यही लिखी है यहाँ पर। अभी परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण कहते हैं, अग्निकाय की अवगाहना के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो भेदों का प्रमाण, यानी अग्निकायकों की अवगाहना के भेद नहीं समझे, अग्निकायिक जीवों की सबसे छोटी अवगाहना, अभी हमने निगोद की सबसे छोटी देखी थी, लब्धि अपर्याप्त की, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की, उससे असंख्यात गुणा तो निवाते वायुकाय की, सूक्ष्म वायुकाय अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, उससे असंख्यात गुणी हुई, और उससे असंख्यात गुणा सूक्ष्म अग्निकाय के अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना होगी। सूक्ष्म अग्निकाय अपर्याप्त की जघन्य से लेकर एक 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 प्रदेश से बढ़ते हुए पर्याप्त अग्निकाय की उत्कृष्ट भेद तक जितने भेद हो गए, एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए असंख्यात हो गए,
ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। फिर से पढ़ेंगे, अग्निकायिक के अवगाहना के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो भेदों का प्रमाण, यह असंख्यात जो कुछ भेदों का प्रमाण है, उससे अग्निकाय के जीवों के प्रमाण को गुणा करने पर, अग्निकायिक जीवों के प्रमाण कितना है वो भी असंख्यात असंख्यात है, उसको गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतने परमावधि ज्ञान के भेद है। इतने इन्हें एक एक से जगन्य से दूसरा उसके पावरफुल पावरफुल इतने सारे भेद है। वहाँ प्रथम भेद के द्रव्य को, यहाँ एक विशेषता है, देशावधि में तो द्रव्य के भेद असंख्यात हो गए तब क्षेत्र बढ़ा, फिर काल असंख्यात हो गए काल बढ़ा, यहाँ क्या होगा दूसरे भेद में द्रव्य क्षेत्र काल सब बढ़ेंगे साथ में, सब साथ में हो गए, द्रव्य तो सूक्ष्मता की ओर चलेगा और क्षेत्र और काल बढ़ेगा। देखो आप कहते हैं पहले ही क्षेत्र इतना है काल इतना है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और बढ़ेगा, तो लोक तर पहुँच गए, लोक के बाहर कुछ नहीं है, अपन उसकी शक्ति इतनी है कि इतने पहुँचने की, होते तो जान लेते हैं, हम शक्ति की बात करें ना, यहाँ उसमें कितने जानने की शक्ति है उसकी बात है। द्रव्य का मर्यादा बढ़ी है ना, मर्यादा सूक्ष्मता की ओर चला, वो हर बार ध्रुवाहार से भाग देते देते आगे बढ़ना है। देखो वहाँ प्रथम भेद के द्रव्य को ध्रुवाहार का भाग देने पर, दूसरे भेद का द्रव्य होता है ना वो भाग देने पर वो सूक्ष्मता की ओर चला जाता है, दूसरे भेद के द्रव्य को ध्रुवाहार का भाग देने पर तीसरे भेद का द्रव्य होता है, ऐसे अंतिम भेद तक जानना। अंतिम भेद में ध्रुवभागहार प्रमाण द्रव्य है, लिखा ना यहाँ, क्योंकि उसको उसी से भाग देंगे तो एक संख्या आएगी परमाणु की जो सर्वावधि का विषय हो जाएगा। तो ये अग्निकायिक जीवों के जो बात है ना उसकी बात जरा हम देखते हैं, उसकी अवगाहना के भेद पेज नंबर 187 निकालना। देखो यहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, सूक्ष्म निगोद की अवगाहना कितनी होती है, उससे सूक्ष्म वायु का एक जगह है कि उसकी अपर्याप्त की अवगाहना कितनी असंख्यात गुना होती है, तीसरे पॉइंट पर सूक्ष्म तेजस का एक अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना ली, 187 पर जो सेकंड पैराग्राफ है नया उसमें सातवीं लाइन देखो, इससे इससे यानी किससे, सूक्ष्म अपर्याप्त वायु का एक से सूक्ष्म अपर्याप्त तेजस कायिक का जगन्य अवगाहना स्थान आवली के असंख्यात पे भाग गुना है, जो कुछ होगा वो यहाँ से हमने लेना, ये उसका पहला भेद, टेबल ही देखना है तो नेक्स्ट पेज पर देखो 188 पर अग्निकायिक जीव कहाँ कौन कौन से है, सूक्ष्म भी है बादर भी है, तो सूक्ष्म में भी अपर्याप्तों की अवगाहना सबसे छोटी और बादर में जो पर्याप्त है उनमें उत्कृष्ट अवगाहना तक हम भेद देखेंगे। तो देखो पहले कोठे में ये जो स्क्वायर में जो नंबर है वो कोठा और अंदर जो नेम नंबर डाले वो उसको भी देखना, तीन नंबर पर तेज लिखा है, पहले नाम लिखा बाद में नंबर लिखा है, पहला नाम है सूक्ष्म निगोद, फिर वायु को दो नंबर दिया और तेज यानी अग्निकायिक को तीसरा नंबर दिया, ये उसकी जघन्य अवगाहना हुई। अब उत्कृष्ट अवगाहना कहीं मिलती है क्या, देखो पर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना, क्या 11वें में अपर्याप्त की नहीं, पर्याप्तों की उत्कृष्ट देखनी है जगन्य नहीं, 9वां कॉलम देखो, 9वां कोठा देखो, पहले बादर वायु लिखा फिर तेज लिखा और इन सब पर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना, इसके आगे अग्नि का एक जीव नहीं है, ख्याल में आई ना बात,
तो ये हमने 3 नंबर से लेकर यहाँ तक आए हम। इसमें सारे जो एक एक प्रदेश से जो कितनी बार उसमें असंख्यात गुना हमने बताया था, तो ये इतने उसके सारे अवगाहना के भेद है। उसको क्या करना है, अग्नि का के प्रमाण से गुना करना है। अब वो अग्नि का एक जीवों का प्रमाण नहीं बताऊंगी मैं। हाँ, एट ए टाइम देखे मनुष्य कितने होते हैं, तो सब हमें मनुष्य कितने हैं, तो अग्निकाय जीव कहाँ कहाँ है, कहाँ का है, पूरे लोक में सूक्ष्म अग्निकाय पड़े हैं, बादर अग्निकाय कहीं कहीं होगे, तो सब सबको मिलकर ये संख्या गिननी है। वो जो संख्या मान के प्रकरण में जो असंख्यात असंख्यात का जो भेद है वहाँ वो बात आई है। कहाँ आई मैं आपको बता के रखूँगी, अभी पढ़ूँगी नहीं। ये पर्याप्ति के प्रकरण में होना चाहिए, वहाँ संख्यामान की सब बातें आई है। द्विरूप वर्गधारा में ही होना चाहिए शायद। असंख्यात के भेदे ना वहाँ पर होगी वो 217 में। ये 217 में तो वो तो जघन्य परिता संख्यात की बात है, वो नहीं तो 30 में मिला आपको, 35 पे मिला। नहीं नहीं वो गुण का, अच्छा हाँ ये गुणकार शलाकाय ने उसका कितने से गुणा करने पर अग्निकाय जीवों का प्रमाण आता है उसकी बात बताई है वहाँ पर, परंतु वो हम यहाँ नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि उसमें वो शलाकात्र स्थापित करना वगैरह वगैरह बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात आती है, जो समझाना मेरे लिए यहाँ हाँ पॉसिबल नहीं है। यानी वो विषय लिया है, पूरा विस्तार से लिया है, परंतु ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा असंख्यात असंख्यात वाला भेद है, तो इन दोनों को परस्पर गुणा करना है, तो ये बहुत बड़ी राशि आने वाली है, असंख्यात की बहुत बड़ी राशि है, इतने परमावधि के भेद है, बस इतना जान लो। तो यहाँ हम क्या देख रहे थे, देखो अभी आते 536 पर। गाथा उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान का विषय ध्रुवहार प्रमाण। हमने देखा ना ध्रुवहार को एक भार ध्रुवहार से भाग दो तो एक परमाणु आएगा, तो उत्कृष्ट परमावधि का ये विषय हुआ, वहाँ तक सूक्ष्म तक को जानता है, उसको ध्रुवहार से भाग दे तब एक परमाणु मात्र सर्वावधि ज्ञान का विषय है। सर्वावधि ज्ञान पुद्गल परमाणु को जानता है, यह ज्ञान निर्विकल्प है। निर्विकल्प है नहीं, क्या भेद नहीं उसमें, जघन्य उत्कृष्ट मध्यम भेद नहीं है, जैसे हमने देशावधि में देखे परमावधि में देखे ऐसे इसके भेद नहीं है, भेद रहित। जो ध्रुवहार कहा था वह गंगा महानदी के प्रवाह के समान ही है। यानी वो जघन्य देशावधि से लेकर सर्वावधि तक वही का वही भागार चला, इसलिए उसको उसकी उपमा दी है। अभी नीचे का पैराग्राफ देखिए 416 में देखेंगे। परमावधि के विषयभूत द्रव्य की अपेक्षा जितने भेद कहे, कितने हैं तो अग्निकायकों की अवगाहना मल्टीप्लाइड बाय अवगाहना उनके जीवों की संख्या, तो कहते इतने मात्र ही परमावधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा भेद। देशावधि इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें काल की अपेक्षा भेद कम थे, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात गुने थे, द्रव्य की अपेक्षा बहुत असंख्यात गुना ज़्यादा थे। यहाँ जहाँ द्रव्य की अपेक्षा दूसरा भेद है वहाँ क्षेत्र की अपेक्षा भी दूसरा भेद है और काल की अपेक्षा भी दूसरा भेद है, भाव की अपेक्षा भी, यानी चारों युगपथ चेंज होने, हर एक भेद में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रमाण भी बदलता है। देशावधि में ऐसा नहीं था, बस इतना डिफरेंस है दोनों में, और ऐसे ही अंतिम भेद तक जानना, और उसका एक भेद से दूसरे भेद में क्षेत्र और काल तो असंख्यात गुणा बढ़ता चला जाएगा और द्रव्य तो सूक्ष्मता की ओर चला जाएगी। क्या जी ये कह सकते हैं कि जो सर्वावधि
उत्कृष्ट। कैसे होगा? पुद्गल परमाणु को तो उसरे पहले वाले को ध्रुवार से गुणा करो, दो गुणा कैसे होगा? ध्रुवहार वाला होगा, उसका अंतिम भी ध्रुवहार वाला होगा। हाँ ध्रुवहार, बिल्कुल सीधा वो स्कंद से परमाणु तक, वो ध्रुवहार वाला स्कंद था एकदम परमाणु तक पहुंच गया। यानी उसके विवक्षित भेद, यानी परमावधि का पांचवा भेद है, दसवा भेद है, लाखवा भेद है, उसका प्रमाण कैसे निकालना, क्योंकि उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ चेंज हो रहे हैं, तो उसका निकालने का तरीका आगे सारा बता रहे हैं। उसके गणित में बहुत डिटेल में जाने की बात नहीं है, यहाँ पर भी वो संकलित धन वगैरह निकाल कर कैसे क्या होता है, संकलन धन कैसे निकालना आपको बताया था, उसके फॉर्मूले यहाँ कुछ दिए हैं। हम तो अभी अपने इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि उसके असंख्याते भेद है। देखो उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, 538, 418, अभी तो ऐसे समय भी नहीं है, नहीं एक एक ही मिनट है, शाम को इसको ले गए, यानी केवल फॉर एग्जांपल तरीके, इसके डिटेल में हमको नहीं जाना है और फिर आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम यहीं रुकेंगे। कोई प्रश्न है तो फिर पूछ लेना बाद में। बोलो 2400 भगवान।